सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे इस बिंदु को लेकर कार्यों को किया जा रहा है। तो वहीं वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन भी लाभार्थियों को देने का काम किया जा रहा है। पेंशन के लाभार्थियों के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को अपने बैंक अकाउंट खाते से आधार को लिंक कराया जाना अनिवार्य किया गया है और जिन लाभार्थियों का खाता आधार से लिंक हो गया है उनके खाते में पेंशन भेजी जा रही है। मुरादाबाद के कांठोड विकास भवन स्थित कार्यालय पर मौजूद रही जिला प्रोबेशन अधिकारी नरेश कुमार चौहान द्वारा बताया गया कि आधार को बैंक खाते से लिंक करने का कार्य चल रहा है और जो लोग अभी तक अपना आधार और बैंक अकाउंट लिंक नहीं करा पाए हैं वे सभी अपने खाते से आधार को लिंक जरूर करा दें। हमारी जो विधवा पेंशन के आधार प्रमाणीकरण का कार्य चल रहा है लगातार, जिसके लिए हमने यहाँ पर 2400 घंटे एक काउंटर खुलवा रखा है जनता की सुविधा के लिए, लेकिन अभी तक हमारी आधार प्रगति 72% ही हो पाई है, मतलब 100 में से अभी 72 आधार ही प्रमाणीकरण हो पाए हैं, जिसके लिए विभाग द्वारा ब्लॉकों के माध्यम से नगर पंचायत के ईओ के माध्यम से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सभी जगह मस्जिदों से ऐलान भी कराए जा रहे हैं कि जिन लाभार्थियों के अभी तक आधार नहीं एकत्र होकर प्रमाणीकरण का कार्य हुआ है वह अविलंब करा लें, अन्यथा आने वाले समय में उनकी पेंशन की धनराशि उनके खातों में नहीं जा पाएगी। इसी को लेकर एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है कि कोई भी लाभार्थी इससे वंचित ना रहे और अपना आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से करा ले। क्या अपील है ज्ञानदिन से? मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि जो उनके पास पड़ोस में भी लोग हैं वो उन तक यह मैसेज पहुंचाएं कि वो अपना आधार कार्ड जन सुविधा केंद्र के माध्यम से अथवा प्रोबेशन अधिकारी का कार्यालय में जो 2400 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है वहाँ से अपना आधार लिंक अनिवार्य रूप से करा लें ताकि उनकी नियमित रूप से पेंशन आती रहे।